क्योंकि बस ये सब नहीं चल पा रहा है, इतना ज्यादा भीड़ हो जा रही है ना। एक तो एक बस जा रही है, उसके 2-3 घंटे बाद एक बस और खुल रही है। इतना कितने मात्रा में भीड़ इकट्ठा होके जा रही है, बहुत ही पीछे की साइड देखो ना तो बहुत ही घनी आबादी में भीड़ आ रही है सारे बम की, जो कि सोमवार को 8 से 9 बजे के बीच में जल अर्पित करेंगे देवघर महादेव के मंदिर में। गर्मी से गाय एकदम हालत खराब हो चुका है, लेकिन ये लोग अपना जल ढारने के लिए कहीं रुक नहीं रहे, बस जाते ही जा रहे हैं। जय श्री राम गाइस, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बढ़िया होगे, मस्त होगे, स्वस्थ होगे और हमारे वीडियो देख रहे होगे। सो गाइस, सोमवारी को लेके काफी ज्यादा जनसंख्या में भीड़ बढ़ रही है गाइस, सारे बम को लेकर बहुत ही बम यहाँ पे भीड़ लगा के जा रहे हैं देवघर की ओर। आज पानी कुछ सारे बम उठाए हैं सुल्तानगंज नमामि घाट से, और कल सोमवार को ये लोग अर्पित करेंगे जल देवघर बाबा भोलेनाथ को। कितने मात्रा में भीड़ इकट्ठा होके जा रही है, बहुत ही पीछे की साइड देखो ना तो बहुत ही घनी आबादी में भीड़ आ रही है सारे बम की, जो कि यहाँ से सारे पैदल जा रहे हैं। कुछ बम तो बस के थ्रू जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे पुलिस वाले लोग बस रोकने नहीं दे रहे हैं, बस को आगे की ओर कर रहे हैं, जो भी व्हीकल्स खड़ा हो रहा है उसको आगे भगा रहे हैं। इसी कारण से सारे बम, कुछ लोग पैदल जाने वाले, कुछ लोग बस से जाने वाले, वो आगे की ओर जा रहे हैं फ्लाईओवर पे, और आधा फ्लाईओवर पे बस रोकती है, वहां पे बम बैठते हैं। और कल सुबह सोमवार को 8 से 9 बजे के बीच में जल अर्पित करेंगे देवघर महादेव के मंदिर में। देख सकते हैं आप लोग, एक बस आ रही है वहां पे बैठने के लिए, कितने बम सारे इंतजार कर रहे हैं, लेकिन पुलिस के कारण बस कोई नहीं रोक पा रही है, क्योंकि अगर रोकेगी ना तो पुलिस उन्हें दंडित करेगी, प्लस कुछ बोलेगी इसी कारण से। प्लस नीचे के साइड से वो बस जा रही है, वो डायरेक्ट बस स्टैंड में जाएगी। और इधर से देख सकते हैं आगे के साइड कितने श्रद्धालु जा रहे हैं, कितने बम जा रहे हैं, प्लस इधर के साइड से कावर सारे बम जल लेके जा रहे हैं, जो कि डायरेक्ट देवघर की ओर जाएंगे। और इधर से देखो ना तो ये देखो सारे कितने बम जा रहे हैं, आप लोग देख सकते हो अपने ध्यान से ही भाई, ये देखिए कितने सारे बम कैसे जा रहे हैं, देख सकते हैं आप, मैजिक से जा रहे हैं। प्लस ये देखिए टोटो, और ये देखिए सारा बम सारा अपना कावर लेके जा रहे हैं, जो कि कल सोमवारी दूसरा सोमवारी है, कल ये लोग जल अर्पित करेंगे, और फिर कुछ कावर का जो कि बम है, कुछ बम के लिए यहाँ पे गाड़ी यहाँ पे रुकी हुई है, जो भी अपना जल लेके आएंगे वो इस पे बैठेंगे और फिर यहाँ से डायरेक्ट प्रस्थान करेंगे देवघर की ओर। और ये देखिए सारे कांवर जा रहे हैं अपना जल लेके, जो कि देवघर में जाके अर्पित करेंगे महादेव को ये जल। तो सोचिए 105 किलोमीटर चलना, मतलब आप लोग खुद सोच सकते हैं गाइस, इतना गर्मी में गर्मी आप लोग देख रहे हैं, गर्मी से गाइस एकदम हालत खराब हो चुका है, लेकिन ये लोग अपना जल ढारने के लिए कहीं रुक नहीं रहे, बस जाते ही जा रहे हैं। तो ये देखिए सारे लोग बोल बोल के जा रहे हैं भाई, भगवान का श्रद्धा विश्वास और जो निष्ठा होती है ना, वही इनका साथ दे रही है। और तो और कुछ महिलाएं भी हैं, लेडीज भी हैं, लड़कियां भी हैं, और बच्चे लोग भी काफी सारे जा रहे हैं यहाँ पे कावर लेके। ये देखिए भीड़, यहाँ का जो जन सैलाब है ना बहुत ही ज्यादा, बहुत ही घनी आबादी में जा रही थी, लेकिन अभी थोड़ा सा कमी हुई है यहाँ पे, क्योंकि काफी पीछे सारे ना काफी बम वहां पे इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि काफी घमासान गर्मी है गाइस, बहुत ही भीषण गर्मी है यहाँ पे, इसी कारण से सारे लोग उधर वेट कर रहे हैं। और भी इधर से देखिए तो बहुत सारे कावर लेके नीचे के साइड से आ रहे हैं स्टेशन की तरफ से, ये देखिए, ये देख सकते हैं कुछ बाइक से जा रहे हैं, कुछ पैदल जा रहे हैं, और कुछ बड़ी बड़ी गाड़ियों से जा रही है, ये देखिए 4-व्हीलर से जा रहे हैं, ये देखिए बम जा रहे हैं। और उधर के साइड देखिए ना तो इधर सिर्फ और सिर्फ बम का ही सारा सामान बिक रहा है, सारा कावर से रिलेटेड ही सामान जो भी है, सारा कावर का ही सामान बिक रहा है, ये देख सकते हैं आप लोग। ये देखिए बहुत सारे टोटो से जा रहे हैं, जो कि जलेबिया मोड़ तक जाएंगे, फिर वहां से पैदल जाएंगे, ये लोग पैदल यात्रा करेंगे। तो देख सकते हैं गाइस, ये देखिए कितने दौड़ दौड़ के कुछ लोग, जो कि डाक बम जा रहे हैं ना, उनको कहीं पे रुकना नहीं होता है, तो ये लोग बस दौड़ के ही जाएंगे, इनका टाइम हो चुका है स्टार्ट, क्योंकि 2 बज चुका है, तो ये लोग अपना कावर लेके जा रहे हैं डाक बम, जो कि इनको 24 घंटा के अंदर वहां पे पहुंचना होगा। कल सोमवारी के दिन ही शाम में 2 बजे से पहले तक इनका जल ढर जाना चाहिए, ऐसा नियम है डाक बम का, क्योंकि ये लोग सारे जो भी जा रहे हैं ना वो सारे नौजवान युवक हैं, लड़के लड़कियां सारे जाते हैं, तो ये लोग बीच बीच में चलते हैं, फिर दौड़ते हैं, फिर चलते हैं, लेकिन रुकते कहीं पे नहीं है, प्लस ये लोग लाठी कहीं पे रखते नहीं है। देख सकते हैं सारे लोग कितने श्रद्धालु लोग जा रहे हैं, कितने बम जा रहे हैं, देख सकते हैं गाइस कितने बम जा रहे हैं सारे एकदम, ये देखिए सारा डाक बम भी जा रहे हैं, और कुछ बम ऐसे नॉर्मल जो कि पैदल जाएंगे, जिनको 2-3 दिन लगेंगे, प्लस कुछ लोग बाइक कार से जा रहे हैं, जो कि 2-3 घंटे में ही पहुंच जाएंगे, लेकिन जो डाक बम जा रहे हैं ना उनको 24 घंटे के अंदर मान के चलिए 16 से 17 घंटे में ये लोग पहुंचते हैं। तो इन लोगों का श्रद्धा निष्ठा आप लोग देख के ही बता सकते हैं कितना इन लोगों के अंदर विश्वास है भगवान पे, भगवान के
प्रति कितना जागरूकता से ये लोग जा रहे हैं आप लोग देख ही सकते हैं गाइस। आप लोगों को सारा कुछ दिखा दिए सारे लोग, बट अभी अपन लोग देवघर नहीं जा पा रहे क्योंकि बस ये सब नहीं चल पा रहा है। इतना ज्यादा भीड़ हो जा रही है ना, एक तो एक बस जा रही है उसके 2-3 घंटे बाद एक बस और खुल रही है। इतना भीड़ है ना कि भाई जा नहीं पा सकते, प्लस अपना बाइक से नहीं आए, तो सोच रहे हैं वीडियो को यहाँ पे एंड करे और फिर अभी मैं घर जाऊँ और फिर कल सोमवार के दिन सारे अपन लोग डायरेक्ट देवघर में मिले अपना बाइक से जाने के बाद। तो सोच रहे हैं यहाँ पे वीडियो को एंड करे और फिर अपन लोग चलते घर की ओर। सो आई होप आप लोग की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना। सो फिर जय श्री राम गाइस, हर हर महादेव, बाय बाय।